चाचा चौधरी और टिंगू मास्टर की पतंग। एक दिन टिंगू मास्टर को उदास बैठे देख चाचा चौधरी ने पूछा, क्यों भाई टिंगू मास्टर, आज उदास क्यों बैठा है? मैं एक बढ़िया पतंग लाया, कल्लू पहलवान ने मुझे स्पेशल माजा दिया, पर किस काम का? पतंग उड़ाने के लिए हवा ही नहीं है। टिंगू मास्टर, हवा भी आ जाती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? साबू जरा दो चार फूके मारना। और साबू फूक मारना शुरू करता है। टिंगू मास्टर की पतंग हवा में परवास करने लगती है। वाह, जरा एक और जोर की फूक मारो ताकि पतंग और ऊंची चली जाए। साबू एक और जोरदार फूक मारता है और टिंगू मास्टर हवा में उड़ जाता है। अरे साबू, तुमने ये क्या किया? इतने जोर से फूक मार दी कि पतंग के साथ पतंग बाज भी उड़ गया। जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। जी चाचा जी। साबू टिंगू मास्टर को खोजने के लिए दौड़ लगा देता है। इधर टिंगू मास्टर, अरे जब तक मैं इस डोर को नहीं छोड़ता उड़ता ही चला जाऊंगा। टिंगू मास्टर डोर को छोड़ देता है। एक जगह पर, कमबख्तो, तुम्हारी लापरवाही से हमने बलि के लिए जो आदमी तैयार किया था भाग गया। तभी टिंगू मास्टर उनके सामने भूसे के ढेर पर गिरता है। ओहो वाह, हमारे देवता ने बलि के लिए एक दूसरा मुर्गा भेज दिया है। वो लोग टिंगू मास्टर को पकड़ लेते हैं। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। टिंगू मास्टर को बलि के लिए लिटा दिया जाता है। देवता के लिए बलिदान देना गर्व की बात है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अरे मोटे, फिर तो अपनी बलि क्यों नहीं दे देता? तभी एक बड़े से हाथ ने मुखिया को उठा लिया। अर ये क्या? उस मुखिया के साथी आगे बढ़े किंतु साबू के घूसे ने उन्हें पीछे धकेल दिया। पीछे हट जाओ। साबू टिंगू मास्टर को अपने कंधे पे बिठाकर वहाँ से चल पड़ा। चलो टिंगू मास्टर, चाचा जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चाचा चौधरी, लो चाचा जी आपका आदमी हाजिर है।